दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक मंडी। मंडी में सोमवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा जनाक्रोश रैली का आयोजन किया गया। रैली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर रोष निकाला। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सीएम रिलीफ फंड का हिसाब दें। कोरोना संकट में सीएम रिलीफ फंड में भ्रष्टाचार हुआ है। कुल्लू में एक पुलिस अधिकारी ने सीएम के सामने दूसरे पुलिस अधिकारी को चांटा रसीद कर दिया और सिक्योरिटी गार्ड एक आईपीएस को लात मार रहा है। वहीं वरिष्ठ नेता अधिकारी को धमका रहे हैं, तो कहीं भाजपा विधायक पर उनकी एचएस पत्नी मारपीट और प्रताड़ना के आरोप लगा रही है। माहौल सरकार के खिलाफ बन गया है। आने वाले उपचुनावों में भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। अगर कांग्रेस ही मिलकर काम करें तो जीत उनकी ही होगी। किसानों को, बागवानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज पूरे देश के जो किसान हैं, जो काला कानून इस देश में मोदी लेके आए हैं, इस काले कानून का सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो केवल किसानों को नहीं होगा बल्कि हर वर्ग को होगा। आज देश के किसानों के जो हित हैं वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में बेच दिए गए हैं। खेत और खलिहान हमारे होंगे लेकिन उसके जो असली मालिक हैं वो अडानी और अंबानी होंगे। साथियों, आज शर्म की बात है कि इतने महीनों से दिल्ली की सीमाओं पे आंदोलन चल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े पूंजीपतियों के इशारे पे किसानों से बात करने को तैयार नहीं है। मैं हिमाचल के किसानों की बात करूं, बागवानों की बात करूं, क्योंकि मैं खुद भी ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां सेब पैदा होता है। मंडी में भी हमारा बहुत सा ऐसा क्षेत्र है जहां सेब पैदा होता है। अभी पिछले दिनों बेमौसमी जो बर्फबारी हुई, ओलावृष्टि हुई, हमारे किसानों की फसलें जो है बर्बाद हो गई। लेकिन इस सरकार ने किसानों और बागवानों की कोई सुध नहीं ली। मैं स्वयं ऐसे क्षेत्रों में गया जहाँ सेब के बगीचे बर्बाद हो गए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, हमने उन्हें ज्ञापन दिया, हमने उनसे मांग की कि आप किसानों और बागवानों को और हमारे जो मैदानी क्षेत्र के हमारे जो किसान हैं जिनकी गेहूं की फसलें नष्ट हुई कि आप जो है राहत का जो कोई पैकेज दिलवाइए, प्रधानमंत्री जी से बात कीजिए। मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन तो दिया लेकिन आज 2 महीने होने को आए कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी से बहुत डरते हैं, उनके सामने कोई जुबान नहीं खोलते। और उसी तरह से कोरोना का समय चल रहा है, हमारी अर्थ की जो है बर्बाद होकर रह गई है। हमारे जो छोटे दुकानदार हैं, हमारे जो छोटे व्यवसायी हैं, उनका बिजनेस खत्म हो गया। और जब लॉकडाउन का समय था, दुकानें बंद थी, बिजनेस नहीं चल रहा था, हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि कोई व्यवसाय नहीं हो रहा है, आप कम से कम पानी और बिजली के बिल तो माफ करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जानकारी नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जिसने घाट घाट का पानी पिया हो और भ्रष्टाचार का अगर किसी गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, कोई कंपटीशन हो जाए, अगर ओलंपिक में कोई कंपटीशन हो जाए तो हमें महेंद्र सिंह जी को भेजना चाहिए, उन्हें पक्का गोल्ड मेडल मिलेगा। इतना बड़े और बड़े अकड़ू किस्म के इंसान है, अब चीफ सेक्रेटरी से लड़ रहे हैं, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी एक निहायत शरीफ और ईमानदार आदमी है। अरे महेंद्र सिंह जी, पहले आप देखिए कि आप कितने पढ़े हैं और आईएएस बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो आपके एजेंडे पे नहीं चल रहे। और उनके पुत्र जो है वो दफ्तरों में जाते हैं, कर्मचारियों को धमकाते हैं। अरे हिमाचल प्रदेश में ये दादागिरी का, गुंडागर्दी करने का आपने ठेका ले रखा है क्या? लोकतंत्र में इस तरह से होता है कि आप अधिकारियों को धमकाएं? जहां भी जिस क्षेत्र में जाते अधिकारियों को बुलाते धमकाते हैं। देखिए, अगर अधिकारी कोई काम नहीं करता उसके लिए नियम है, आप नियम के मुताबिक कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये हक आपको किसने दिया है कि आप अधिकारियों के साथ जो है इस तरह से जो है बदतमीजी करें? और चुनाव में मैंने तो उन्हें देखा पछाड़ में, जब पछाड़ में उपचुनाव हो रहे थे
तो सड़कों के किनारे ठाकुर साहब हर जगह पे उन्होंने पाइपों के ढेर लगा रखे हैं। तो हमने गांव वालों से पूछा कि भाई ये पाइपों के ढेर क्यों यहाँ लगा रखे हैं। कहते जी महेंद्र सिंह जी बोल के गए हैं कि जैसे चुनाव खत्म होगा तो मैं घर घर पानी पहुंचा दूंगा। अच्छा चलो ये तो मानी बात कि जहाँ पानी नहीं था वहाँ पाइपें फेंकी, इन पाइपों को अपने घरों में रखो। और एक टीम उन्होंने ऐसी बनाई कुछ लोगों की जो गाँव गाँव में जा रहे थे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी के साथ अमन अग्निहोत्री की रिपोर्ट। अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक मंडी, ओनली यूनिवर्सिटी प्रमोटेड एंड मैनेज्ड बाय हिमाचली पर्संस एंड टू गेट यूजीसी अप्रूवल इन फर्स्ट इंस्टेंस, 7 years ऑफ फाइनेस्ट एग्जिस्टेंस, एक्सीलेंट फैसिलिटी, मॉडर्न लैब्स, फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट विद कंड्यूसिव एम्बियंस फॉर एजुकेशन। कोर्सेज ऑफर्ड BA, BEd, BSc, BEd, B Pharmacy, B Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, M Tech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details.